एक्सप्रेस स्टेशन में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए रुक करेंगे खबरों के और। दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिक और छात्र जल्द ही छत्तीसगढ़ वापस आएंगे। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर चर्चा की। चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिक और छात्र की समस्याओं से गृह मंत्री अमित शाह को अवगत कराया। सीएम की बातों को गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन भी दिया है। बता दें आपको कि राज्य सरकार से इस आशय का विधिवत प्रस्ताव मिलने पर त्वरित निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव को इस संबंध में प्रस्ताव भी भेज दिया है। और इसी प्रकार जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता सुप्रिया पांडे जुड़ गए हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ सरकार का एक सराहनीय कदम इसे कह सकते हैं, श्रमिकों और छात्रों को वापस लाना, पर कितनी सतर्कता इसमें बरती जाएगी और लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, तमाम तरह की जो बातें कही जा रही है उनका किस हद तक पालन होगा और कैसे छात्रों को लाया जाएगा वापस? छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर श्रमिक और मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं, तो जिस संबंध में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की है और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें आश्वासन भी दिया है कि जो छत्तीसगढ़ और मजदूर जो फंसे हुए हैं उन्हें, श्रमिक जो फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जाएगा। साथ ही उस संबंध में जो मुख्य सचिव आरपी मंडल उनको भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी जो जानकारी है, इस तरह की जो प्रस्ताव है वो गृह मंत्री जो जानकारी है वो पूरी दी जाए, ताकि जो गृह मंत्री है वो व्यवस्था कर सके और इस तरह से छत्तीसगढ़ के जो अन्य जो बाहर के जो छत्तीसगढ़ राज्य से जो बाहर गए हुए हैं उन्हें वापस लौटाया जा सके। और रही बात सोशल डिस्टेंसिंग की, तो उसे भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा। जो बस अगर भेजा जाएगा तो बस में भी एक सीट छोड़कर इस तरह की जो बैठाने की जो व्यवस्था है उस तरह से जो की जाएगी व्यवस्था भी। जी सुप्रिया, लगभग कितने लोग होंगे श्रमिकों और छात्रों को मिलाकर? श्रमिकों और छात्रों को मिलाकर बहुत सारे लोग होंगे जो फंसे होंगे, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह को से फोन पर बात की है और उन्हें उनसे जानकारी भी साझा की है। इस संबंध में अमित शाह ने भी आश्वासन दिया है कि जो छात्र हैं वो जो है छात्र और श्रमिक वो दोनों जो है वापस आएंगे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में और उनके लिए भी जो है सुविधाएं जो चाहिए वो दी जाएंगी। सुप्रिया, अगर सावधानी की बात की जाए तो कितनी सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो अभी हालात काफी अच्छे हैं और बड़ी संख्या में श्रमिकों और छात्रों को लाना किसी चुनौती से कम नहीं होगा, ये तो कितनी सावधानी इसमें बरती जाएगी? बिल्कुल ही बढ़ती जाएगी। छत्तीसगढ़ में हालांकि जो हालात है वो स्थिर होने की कगार पर है, लेकिन सावधानी के तौर पर सावधानियां भी बढ़ती जाएंगी। जो छत्तीसगढ़ से जो अन्य राज्यों में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें लाया जाएगा और साथ ही उन्हें क्वारंटाइन पर भी भेजा जाएगा। उनकी लिए काफी जो एहतियातन कदम है, जो कोरोना संक्रमण से बचाव किए जाने चाहिए वो उठाए जाएंगे और साथ ही हर एक जो आएंगे वहाँ से तो उनकी हर एक व्यक्ति की जो है जाँच की जाएगी, तो इस तरह से तमाम जो एहतियात कदम है वो उठाए जाएंगे। जी चलिए सुप्रिया, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।